टुडेज स्टोरी इज गोलू ग्रोज ए नोज। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय ऐसा था जब एलिफेंट के कोई ट्रंक नहीं हुआ करती थी, उनके सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विथ अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू एक बेबी एलिफेंट था जो कि अपनी बल्गी नोज के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग किया करता था। बल्गी नोज का मतलब एक ऐसी नाक जो कि उभरी हुई होती है। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। वह लिम्पोपो रिवर की ओर जाता है यह जानने के लिए कि क्रोकोडाइल की ईटिंग हैबिट्स क्या है, यानी वह खाने में क्या खाता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, नाउ द स्टोरी स्टार्ट इन दिस वे, लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत पुरानी बात है, उस समय एलिफेंट के ट्रंक नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज अ बिग एज अ बूट। उनके केवल बल्गी नोज हुआ करती थी। इट वॉज एज बिग एज अ बूट। ही कुड वीगल इट फ्रॉम साइड टू साइड एंड द एलिफेंट कैन ईजीली वीगल इट, ईजीली टर्न इट फ्रॉम साइड टू साइड। इधर उधर इस नोज को वो आसानी से जो एलिफेंट थे घुमा सकते थे। बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, बट दे वर नॉट एबल टू पिक एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस नोज। लेकिन इस नाक की सहायता से कुछ भी सामान उठाने में वे सफल नहीं थे। जैसे आजकल एलिफेंट जो है इजीली किसी भी चीज़ को अपनी ट्रंक से उठा लिया करते हैं, प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। वे अपने उस बल्गी नोज की सहायता से किसी भी चीज़ को उठा नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू एंड हुज नेम वॉज गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्गी नोज। उसके भी कोई ट्रंक नहीं थी, बट ही हैज़ ओनली ए बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। और यह उतनी ही छोटी थी जितना कि एक स्मॉल बूट होता है। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग किया करता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी लंबी सी आंट जिसका नेम ऑस्ट्रिच था, ऑस्ट्रिच इज ए टाइप ऑफ ए बर्ड, इट इज़ अ बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, द बर्ड विच यू आर वॉचिंग इन दिस पिक्चर, इट्स नेम इज ऑस्ट्रिच। Why don't you ever fly like other birds? और जो गोलू है वो ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन करता है कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह आसमान में क्यों नहीं उड़ते हो। Then he asked his tall uncle the giraffe. उसके बाद में वह अपने जो टॉल अंकल हैं, लंबे से अंकल हैं जिराफ, उनसे तो वह अपने लंबे अंकल जिराफ से क्वेश्चनिंग करता है। What makes your skin so sporty? वह कौन सी चीज़ है जिसकी ने आपकी स्किन को इतना ज़्यादा स्पोर्टी बना दिया। He asked his huge uncle the hippopotamus. Why are your eyes always so red? और वह अपने अंकल हिप्पोपोटामस से क्वेश्चनिंग करता है कि आपकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल क्यों हैं। Why your eyes always remain so red? He asked his hairy uncle the baboon. उसके बाद वह अपने हेयरी अंकल जिसका नाम बबून है उनसे प्रश्न किया करता था कि Why do melons taste like melons? Melons का टेस्ट melons जैसा क्यों होता है, तरबूजों का टेस्ट तरबूजों जैसा क्यों होता है। इस तरीके की क्वेश्चनिंग वह गोलू जो है किया करता था। इन एनिमल्स से द ऑस्ट्रिच द जिराफ द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। न जिराफ के पास इसका कोई आंसर था, न ऑस्ट्रिच के पास, न हिप्पो के पास में, न बबून के पास में, इन क्वेश्चन का कोई उत्तर नहीं था। गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सैड ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। गोलू एक नॉटी बॉय है, वह कहा करते थे और ये इस तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग हमेशा करता रहता है। वन डे गोलू मीट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर। एक दिन गोलू ने मैना बर्ड को एक बुश पे बैठा हुआ देखा और उसने उससे क्वेश्चन किया, What does the crocodile have for dinner? Crocodile dinner में क्या लेते हैं? The मैना said, Go to the banks of the great. मैना ने कहा कि जाओ इस उस महान नदी के किनारे जाओ, ग्रासी लिम्पोपो रिवर, एंड फाइंड आउट, इस लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ और खुद ही अपने आप से ढूंढ लो कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, वो खाने में क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 sugar cans, 50 dozen bananas and 25 melons. उसने 100 sugar cans लिए, 50 dozen bananas लिए, 25 melons लिए और वह लिम्पोपो रिवर में क्रोकोडाइल की खोज में निकल पड़ा। देन ही सेड टू हिज फैमिली, उसके बाद में उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और उसने बताया कि मैं ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर की ओर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं यह पता लगाने जा रहा हूँ कि क्रोकोडाइल जो है डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने इससे पहले कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था, एंड डिडंट नो व्हाट वन
लुक लाइक, और यह भी नहीं जानता था कि क्रोकोडाइल कैसे दिखाई देते हैं। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, वह उसे एक पाइथन मिला, एक अजगर मिला, उससे उसने पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखाई देता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वह खाने में क्या लेता है, अपने डिनर में क्या खाता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, पाइथन ने अपने आप को अनकॉइल किया। फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सैड नथिंग, उसने अपने ट्री की ब्रांच से अपने आप को अनकॉइल किया जिसके ऊपर कि वह लिपटा हुआ था, वहाँ से उसने अपने आप को फ्री किया लेकिन कुछ भी नहीं बोला। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सैड गुड बाय टू हिम, गोलू ने वापस से बड़े ही विनम्रता के साथ में उसे वापस से उस ब्रांच पर कॉइल्ड कर दिया, वापस से उसी ब्रांच पर लपेट दिया और उसे गुड बाय कह करके आगे बढ़ दिया। गोलू मीट द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और पाइथन उसकी उस समय मदद करता है जबकि उसे उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की एक लंबी सी नाक उभर आती है। ये सब कैसे होता है, आइए इस नेक्स्ट स्टोरी के इस नेक्स्ट पार्ट में हम जानते हैं। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया, ईटिंग शुगर कैंस बनानाज एंड मेलन्स, बनाना शुगर कैन मेलन्स खाते हुए आगे बढ़ता गया। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद में वह उसी ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच गया। ऑन द बैंक द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, और नदी के किनारे उसने एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, वह वास्तव में लकड़ी का कोई लट्ठा नहीं था, इट वॉज अ क्रोकोडाइल, वह एक क्रोकोडाइल था जो की उसके तरफ विंकिंग कर रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, और गोलू उस क्रोकोडाइल से ही पूछता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, क्रोकोडाइल ने वापस से विंक किया, वापस से अपनी आँखों को फड़फड़ाया और अपनी पूँछ को उसने मड में से ऊंचा उठाया। कम हियर लिटिल वन, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, सैड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरीके के प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, मेरे पास आओ, पर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और इसलिए क्रोकोडाइल ने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए, अपने मगरमच्छी आंसू बहाए ताकि वह यह साबित कर सके कि वही क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अपसेट, और गोलू इस बात को देख करके भयभीत हो गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेट, लेकिन वह उस नदी के किनारे बैठ गया और कहने लगा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसकी कि मैं तलाश कर रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ मुझे बताओ तुम डिनर में क्या लेते हो। कम हियर लिटिल वन, मेरे पास आओ, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि मैं तुम्हारे कान में फुसफुसा के इसका उत्तर दूंगा, तो मेरे और नज़दीक आ जाओ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और गोलू ने अपना जो सिर था क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास में उसके बिल्कुल नाक के नज़दीक ले जा करके रख दिया और क्रोकोडाइल ने गोलू को उसकी नाक से कस के पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, क्रोकोडाइल बोला मैं सोचता हूँ आज एक बेबी एलिफेंट मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी, मुझे जाने दो तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चिल्लाया। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, पाइथन जो कि चुपचाप से गोलू का पीछा कर रहा था, कैम टू द बैंक एंड सैड, वह नदी के किनारे आ गया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, अगर तुम अपने आप को अपनी पूरी ताकत से पीछे की ओर नहीं खींचोगे तो ये क्रोकोडाइल या मगरमच्छ तुम्हें घसीट करके नदी में ले जाएगा, स्ट्रीम में ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचेस एंड पुल्ड, गोलू अपने हंचेस पे पीछे की ओर बैठ गया और जितनी ताकत से वह अपने आप को पीछे खींच सकता था उसने खींचना शुरू किया। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल, क्रोकोडाइल जो है पानी में फिसल गया और अपनी स्विप से अपनी पूंछ की मार से उसने पूरे पानी को क्रीमी बना दिया, झाग वाला बना दिया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड, और वह भी गोलू की नाक को नदी के अंदर जितनी ताकत से खींच सकता था उसने खींचना शुरू किया। देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सैड, और उसके बाद में पाइथन ने अपने आप को गोलू के स्टमक पर लपेट लिया, पाइथन भी गोलू के स्टमक पर लपेट गया और बोला, लेट्स पुल्ड
हार्ड रन, आइए आओ अब दोनों मिलकर के पूरी ताकत से बाहर की ओर हम खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल्ड। गोलू ने अपनी चारों टांगें जो थी कीचड़ में गाड़ दी और खींचना शुरू किया। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नाक जो है खींच करके लंबी होती चली गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और हर एक खींच के साथ में, हर एक झटके के साथ में नाक और लंबी होती चली जाती और गोलू को चोट लगती। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब तक नोज जो है 5 feet लंबी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में वह उस मगरमच्छ के मुँह से मुक्त हो गई। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना, उसने अपनी नाक को एक बड़े से बनाना के लीफ में लपेट लिया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसे उसने उस लिम्पोपो रिवर के पानी में लटका दिया ठंडा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी खींचतान की वजह से, उसकी चोट लग गई थी, तो उसने उसे ठंडा करने के लिए उस लिम्पोपो रिवर के पानी में लटका दिया। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। गोलू वहाँ पर 2 दिन तक लगातार बैठा रहा इस इंतजार में कि उसकी नाक ठंडी हो जाएगी और वह सिकुड़ जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, वह ठंडी तो हो गई लेकिन वापस से छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई कैम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसने गोलू को उसके शोल्डर पर डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू ने अपनी लंबी सी नाक वही ट्रंक को उठाया और उसने उस मक्खी को मार डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिच द पायथन। पायथन ने फुसफुसा करके कहा पहला इसका एडवांटेज, पहला इसका लाभ, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, तुम यह सारा काम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, कोशिश करो और कुछ थोड़ा सा खा करके देखो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी नाक को, अपनी ट्रंक को नीचे की ओर गिराया और उसने एक ग्रास का बंडल जो है अपने ट्रंक से उखाड़ लिया। ही डस्ट इट अगेंस्ट हिज फोरलेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। उसने उसे अपने फोरलेग्स पर झाड़ा, उसके धूल को झाड़ा और अपने मुँह में उस सारे के सारे बंडल को, ग्रास के बंडल को मुंह में घुसेड़ दिया, खाने लगा। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ट द पायथन। पायथन ने दूसरा एडवांटेज बताते हुए कहा, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, तुम ये छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि सूर्य अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, यानी गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लग गई है, तुम्हें अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। गोलू स्कॉप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने अपनी ट्रंक में कुछ कीचड़ भरा और उसे अपने सिर के ऊपर उड़ेल लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिच द पायथन। पायथन इसी समय फिर से फुफकार करके बोला, यह इसका तीसरा एडवांटेज है, यू कुडंट हैव डन इट विथ ए स्मॉल नोज, तुम यह कार्य भी अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पायथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ने बहुत ही भरे हृदय के साथ में पायथन को धन्यवाद दिया और बोला, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, मैं ये सारी चीज़ें याद रखूँगा और मैं वापस अब अपनी फैमिली की ओर लौट जाऊँगा। रुडयार्ड किपलिंग, दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। थैंक यू वेरी मच।